Right, a very good morning to all of you and a warm welcome right here at JAYCEE Group Awards. कुछ ऐसा होने वाला है आज खास के क्या कहने, लेकिन हम एक अलग तरीके से आज की शुरुआत करना चाहेंगे. सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आप इस खास ड्रेस कोड में इतने अच्छे लग रहे हैं, एक ऐसे परिवार का हिस्सा लग रहे हैं जो कि एकजुट है. तो शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब लोग प्लीज अपने दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए. दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए. प्लीज राइज बोथ योर हैंड्स. ओके, लुक अराउंड दिस फैंटास्टिक टीम. दिस टीम हैज बीन क्रिएटेड बाय यू. ये आप ही की बनाई हुई टीम है. एक बार नजर घुमा के देखिए तो ये यूनिटी आपने खुद के लिए बनाई है, इस टीम के लिए बनाई है, विच इज वाई वी आर राइजिंग. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने आप के लिए, इस खास टीम के लिए. व्हाट एन इमेज यू मेक. आज ये जो मुस्कुराहट है, ये जो अवार्ड सेरेमनी है, यहाँ पर बैठा हर एक शख्स डिजर्विंग है. एंड वी ओनली वॉन्ट कि आज अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो इसी रफ्तार से हम बढ़ते रहें एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए टीम, और साथ ही साथ आप भी ग्रो करें. लैम्प लाइटिंग सेरेमनी के लिए हमारा साथ निभा रहे हैं एस के चौधरी जी, आर के जिंदल जी उनका साथ निभा रहे हैं, नीरज जिंदल जी, पीयूष जिंदल जी. जेसी ग्रुप का मार्केटिंग डे है. जो आप लोगों की ये मेहनत है, इसी की बदौलत जो कंपनी है 17-18 में अगर फर्स्ट क्वार्टर की सेल देखी जाए तो एज ए कंपनी में 45% की ग्रोथ है, जो कि बहुत बड़ी है. इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र. ये जो मार्केटिंग कंपटीशन है, एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है,
जो ये कंपटीशन है इसमें कुछ टीमों ने बहुत ही जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शनली गुड ऐसा परफॉर्म किया, वो परफॉर्मेंस क्या है किस टीम की है वो थोड़ी देर में आपके सामने। जो जेसी परिवार की ये मार्केटिंग टीम है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द इंडस्ट्री। और अब मैं हमारे बीच बुलाना चाहूंगी आरपी सिंह साहब को आप सभी के बीच प्रेजेंटेशन देने के लिए, ये बताने के लिए कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ हम कर चुके हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए एज ही जॉइंस अस ऑन स्टेज। रेस्पेक्टेड डायरेक्टर्स, माय कोलीग्स, टीम मेंबर, मैं आप सबका होटल क्राउन प्लाजा में स्वागत करता हूँ। तो मैं हरियाणा की थोड़े से प्रेजेंटेशन है छोटी छोटी, मैं आपको उसके बारे में अवगत कराना चाहूंगा। आइए यहीं बैठे हुए आपको हरियाणा के दर्शन भी करा दें और ये भी बतला दें कि किस तरह इस टीम ने कुछ खास प्रोडक्ट्स में ये खास अवार्ड्स जीते हैं। जी हाँ, अगर लामदा की बात की जाए तो उन्होंने क्वांटिटी जो कि सेल की है वो है 15620 लीटर्स ब्रॉन्ज अवार्ड। तालियां हो जाए प्लीज इस टीम के लिए हरियाणा, और इस पूरी टीम को हम कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे। सेफेक्स हरियाणा टीम चार पांच ट्रॉफीज के हकदार है ये, चाहे वो लैम्डा में हो, हेक्सा एससी हो, या हो सेफेक्स गोल्ड या फिर जिबरलिक एसिड। वेरी वेरी वेल डन, कंग्रेचुलेशंस इस पूरी खास टीम को। तुम्हार साहब की इस टीम ने सचमुच कमाल कर दिखाया। गाइडेंस अगर चाहिए हो तो इनसे ली जाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। व्हाट बेटर देन हिज प्रेजेंस, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर डॉक्टर प्रेमचंद जी। वी आर ऑनर्ड दैट यू कुड जॉइन अस सर। नजरें बढ़ाएं सेफेक्स महाराष्ट्र।
stage from this absolutely fabulous and the very, very proud Jai Maharashtra. जिबलिक एसिड के इन्होंने क्रॉस किए हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो वेरी मच। और सर मैं चाहूंगी कि हमारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर की ट्रॉफी लोकेश जी को आपके हाथों के द्वारा हम प्रेजेंट करें। जीरो बैलेंस की आउटस्टैंडिंग ट्रॉफी का ये खास अवार्ड। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कीप अप द गुड वर्क। दुनिया की घटना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको कैसे लेते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सब मोस्टली सेल्स के फील्ड में हैं, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? मैं आपको अपनी स्टोरी से कुछ और बातें बताऊंगा। अगर आपने ठीक से उन बातों को आने वाले 90 दिन में फॉलो किया तो कम से कम 20-30% आपका परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई करना चाहिए। आपके 30 सेकंड में ये क्लाइंट डिसाइड कर लेता है कि वो आपको पसंद करता है या नहीं करता है। मेरी एक कविता है कि लोग पहले आपके हुलिये से आपको पहचानेंगे, बाद में आपके भीतर क्या है लोग जानेंगे। इसलिए आपकी पर्सनैलिटी, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, डिलीवरी, ये पहला प्रोडक्ट है, बाद में एक्चुअल प्रोडक्ट आता है। आई वॉज बॉर्न इन कोलकाता, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता। मेरे फादर यूपी से थे लेकिन वो दिल्ली चले गए, तो मैं 20 वर्ष की उम्र दिल्ली में आया। मेरे पिताजी का रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस था और वो बैंकक्रप्ट हो चुके थे। मैंने पालिका बाजार में अपना करियर शुरू किया था, टी शर्ट बेच के वहां करियर शुरू किया था। और मैं लोगों से मिलता था और मैं देखता था, और मैंने 2-3 चीजें लोगों में पाई दिल्ली में जब मैं आया, वो गजब सी चीज पाई, क्योंकि मुझे लगा दिल्ली में बहुत एक्साइटमेंट है। और जब मैं शहर में आया तो मैंने किसी से पूछा क्या हाल है, और उसने कहा कट रही है। उम्मीद है आप ऐसा नहीं कहते होंगे ना। और मुझे लगा वाकई सच में कुछ कट गया है, तो मैंने पूछा कहां से कटी है। मुझे नहीं पता ना, मैं जिस चीज को नहीं जानता हूं मैं पूछूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, यहां पर ऐसा चलन है जब भी कोई किसी से पूछे क्या हाल है तो वो कहता है। दोस्तों मुझे विचित्र लगा क्योंकि मैं इस भाषा का आदी नहीं हूं। जीवन को अगर बदलना है तो भाषा बदलना सीखिए। आप कल से इस शब्द को अपने जीवन से गिरा दीजिए, कट रही है, और आप ये बोलना सीखिए मैं बहुत खुश हूं।
और जैसे आप बोलना शुरू करेंगे आप हैरान हो जाएंगे, आपके आसपास क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्ट अपने आप पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पोस्ट पर है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी सोच कैसी है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का बेहतरीन कोटेशन है, एक झाड़ू देने वाला अगर झाड़ू देने का काम करता है तो उसके काम में इतनी खूबसूरती होनी चाहिए कि ईश्वर भी अगर ऊपर से देखे तो कहे कि यहां एक झाड़ू देने वाला रहता है जो अपना काम बेहतरीन तरीके से करना जानता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या काम करते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कितनी शिद्दत से करते हैं। जब तक एक्टिविटी नहीं करेंगे तो लोग सेमिनार अलग तरीके से लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं हाँ तैयार है आप आगे बोलिए। और थॉमस बाटा साहब उस समय अवेलेबल थे, उन्होंने कहा अगर अफ्रीका के जंगलों में जूते बेच पाए तो दुनिया में तुम कहीं भी जूते बेच दोगे। मैंने फिर कहा है आपसे, रिपीट कर रहा हूं, बेचने के लिए हुनर से ज्यादा, इसको याद रखिएगा, हुनर वाले फेल हो जाते हैं, हौसले वाले निकल जाते हैं। जब मैं 3 दिन की वर्कशॉप पूरी करता हूं उसमें लोग लंच में जब मिलते हैं, भाई साहब हमारे बॉस को भी बदलने की ट्रेनिंग दीजिए, भाई साहब समझा कीजिए। अब आप परमानेंटली सुन लीजिए, बॉस को बदलने की टेक्निक क्या है। इस दुनिया में अगर आपने बॉस को बदलने की कोशिश की तो इससे भयंकर गलती नहीं हो सकती है। कभी मत करना। मैं आपको बॉस को हैंडल करने की टेक्निक तो बता सकता हूं, बदलने की टेक्निक नहीं बता सकता। रूल नंबर 1, बॉस इज राइट। रूल नंबर 2, इफ बॉस इज नॉट राइट, रूल नंबर 1 इज राइट। ज्वाइनिंग करने के 6 दिन बाद मेरे बॉस से मैंने जाकर बोला सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग सर। मेरे बॉस का जवाब मुझे एक एक शब्द याद है, इस मॉर्निंग में ऐसा गुड क्या है जरा बताना। आई रिमेंबर ईच वर्ड, द वे ही टोल्ड मी एंड द वे ही लुक्ड एट मी, व्हाट इज सो गुड इन दिस मॉर्निंग। अब आदमी क्या कहे, मैंने कहा जी चिड़िया उड़ रही है जी, सूरज निकला हुआ है जी, और जी बादल भी दिख रहे हैं। बोले बेटे ये सब चिड़िया शाम तक उड़ जाएंगी और सूरज छिप जाएगा और तेरा सूरज मुझे छुपता हुआ दिख रहा है। जब आपके जीवन पे संकट आ जाए तो मेरा ये कोटेशन याद रखिएगा, आर या पार, कटोरा या कार। जीवन तब तक नहीं बदलता है, मैंने सेल्समैन लोगों को देखा है, अगर आपने 2 चीजों को अपना दोस्त बना लिया सेल्स में, एक का नाम है सुरक्षा सिक्योरिटी और दूसरे का नाम है सेटिस्फैक्शन। आज जो आपको अवार्ड मिला है ये अवार्ड और कुछ नहीं है, ये अवार्ड एक खनक है, तैयार रहो आगे की यात्रा के लिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट नहीं होता है उसका मरना निश्चित है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? जहां चैलेंज नहीं होता है उस व्यक्ति का मरना निश्चित है। मैं ये तो नहीं कमिट करूंगा कि मैं कितना सफल हो सकता हूं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। दुनिया का बेहतरीन शब्द है, आइए एक बार कोशिश करते हैं। रिपीट कीजिएगा जरा इस लाइन को, इससे बढ़िया ऑप्टिमिस्टिक शब्द नहीं है। रिश्तों में भी कभी कभी जब सब कुछ खत्म हो जाए फिर भी खत्म मत कीजिएगा, और आप कहिएगा चल यार बहुत हो गया, आ एक बार शाम को मिलते हैं। शाम का मतलब समझते ही होंगे आप लोग जी। हाँ नहीं, मैं तो चाय की बात कर रहा था, पता नहीं आपने क्या समझा। मैंने अपने सेलिंग करियर में 2.5-2.5 साल बाद फॉलोअप किए हैं, 2.5 साल बाद, और आप हैरान हो जाएंगे जो पहली साल मुझे थप्पड़ मारने को तैयार था, 2.5 साल बाद चाय पीने के साथ साथ विज्ञापन भी दे दिया उसने। इसलिए सेल्स के फील्ड में एक शब्द को जीवन से निकाल दीजिए और वो शब्द है NO, ना। हम कहते हैं खुदा जब देता है तो छप्पड़, जोर से बोलिए, अभी छप्पड़ बनाओगे नहीं तो फाड़ेगा कहां से। Thank you all. अरे टीम पंजाब के लिए जोरदार तालियों की गूंज। जीरो बैलेंस की आउटस्टैंडिंग ट्रॉफी का ये खास अवार्ड। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड कीप अप द गुड वर्क। चले इनके खास एरिया में यूपी।
see the potential, only one man. Let me see. Jay Sri Ram. Welcome to Uttam Pradesh. Only Uttam, Keval Uttam, Sirf Uttam. विजेता तीनों कंपनीज के लिए जोरदार तालियों के साथ पंजाब स्टेट ऑल थ्री टीम्स ऑफ पंजाब फॉर हाईएस्ट सेल ऑफ सल्फर चेयरमैन ट्रॉफी प्लीज कम ऑन स्टेज ऑल ऑफ यू कम
थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 फिर किन्हीं तक तेलोंदा फिर गेड़िया जरिया नहीं चांदी अपने तो मैं तो तेरिया Thank you so very much. Thank you. ਲੋਂਦਾ ਫਿਰੇ ਗੇੜੀਆਂ ਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਪਿੰਜਿਆ ਪਿਆ ਹਾਏ ਪਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਚੰਨ ਦਸ ਮੱਖਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਚੰਨ ਦਸ ਮੱਖਾ ਤੇਰਾ मैं आप सबको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं फॉर योर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मैन इज अ वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड हर जीव जंतु पौधा पैदा होते हैं खाते हैं बच्चे पैदा करते हैं मर जाते हैं मेरे ख्याल से हम इसके लिए पैदा नहीं हुए हम कुछ कर दिखाने के लिए पैदा हुए कुछ ऐसा करिए कि लोग कहें वाह क्या बात एक आम आदमी की तरह पैदा होना और मर जाना इंसान जाति के लिए शोभा नहीं देता ऐसा मेरा मानना अक्सर मैं लोगों से सुनता हूं कुछ भी अच्छा होता तो बोलते हैं ऐसा मेरी किस्मत में कहां इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि आपकी जो किस्मत है वो बैंक लॉकर की तरह है उसकी दो चाबियां हैं एक आपके पास एक मैनेजर के पास यानी भगवान के पास अब जब तक दोनों चाबियां लगेंगी नहीं लॉकर तो नहीं खुलेगा सहमत हो तो इसका एक ही मतलब है कि जब तक आप अपनी चाबी नहीं लगाएंगे मतलब जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता सिर्फ आप ही अपनी हेल्प कर सकते हैं